हो गया, होमवर्क खत्म हो गया, आगे थ्योरी को आगे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है थर्ड यूज, ठीक है। अब कहता है टू कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कि थर्ड यूज किसका पढ़ रहे हैं हम लोग, डायमेंशन फॉर्मूला का थर्ड यूज पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब कहता है इसमें कि टू कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी, टू कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज, टू कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू द अनदर, फ्रॉम वन सिस्टम टू दी अनदर, वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, टू ठीक है। इसमें कहता है क्या है, द न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, पहले पढ़ लेता हूं एक बार। कहता है न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ वन सिस्टम इज एन वन, एंड द यूनिट ऑफ मास लेंथ टाइम, ठीक है। इन द अनदर सिस्टम द न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट एन टू, द मास लेंथ टाइम। इसके कहने का मतलब है कि इस सिस्टम में, अगर इसका थर्ड यूज की बात करूं, तो एक सिस्टम को नाम दो फर्स्ट सिस्टम, यहाँ एन वन नाम दिया, और सेकेंड सिस्टम को नाम दे रहा है एन टू। तो फर्स्ट सिस्टम में जो क्वांटिटी है जिसको बोल रहा है एम वन, एल वन और टी वन, सेकेंड सिस्टम में जो क्वांटिटी है एम टू एल टू टेंशन है, उनको नाम देंगे ए बी और सी, इनके डायमेंशन नाम देंगे ए बी और सी। देखते हैं कैसे इसको इस्तेमाल करता है। तो कहता है तो इसमें अगर हम दोनों के फिजिकल क्वांटिटी को इक्वल करना चाहते हैं तो बोलेंगे पी इक्वल्स टू एन वन यू वन इक्वल्स टू एन टू यू टू के, यानी न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट एन वन यूनिट उसका यू वन इक्वल होगा एन टू कॉन्स्टेंट एन टू के यू टू के इक्वल होगा। से फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें एन वन, यू वन का मतलब हो गया एम वन एल वन टी वन, और ये हो गया एम टू, ये मल्टीप्लाई करते हैं एन टू इंटू एम टू एल टू और टी टू। अब इनके पावर में क्या लगाओ, ए बी और सी, यहाँ ए बी और सी, जैसे मैंने वहां किया था वो यहाँ भी है, बस फर्क क्या है, वहां एम एल टी कॉमन था, यहाँ एम और फॉर्मूला जाएगा। क्या फॉर्मूला आएगा कि एन वन अपॉन का एन टू, इसको डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, इसको नीचे ले आ रहे हैं तो इसको उधर ले आएंगे, लेकिन देखेंगे क्या आएगा फॉर्मूला, एम टू अपॉन का एम वन दोनों के पावर में सेम है, तो इन दोनों के पावर में डाल दो एक कॉमन ए। फिर है एल टू अपॉन का एल वन, तो आएगा एल टू बाय एल वन के पावर में बी, फिर आएगा टी टू बाय टी वन के पावर में सी। ये है न्यूमेरिकली कांस्टेंट की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एम और एम के डिवाइड की रेशियो की इक्वल होगी। अब कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं देखते हैं। नंबर वन कहता है कन्वर्ट कन्वर्ट वन न्यूटन फोर्स इनटू इट्स सीजीएस सिस्टम, इनटू इट्स सीजीएस यूनिट एंड डाइम, यानी कि पहला वैल्यू क्या है मेरा, तो बोलेंगे इसको पी इक्वल्स टू वन न्यूटन को कन्वर्ट करना है कितने डाइन में इक्वल होगा, तो हमें ये वैल्यू नहीं पता है, तो क्या बोलूंगा वन डिवाइड बाई एक्स इक्वल्स टू डाइन। न्यूटन का वैल्यू कितना डायमेंशन में लिखते हैं हम लोग, न्यूटन में लिखते हैं हम लोग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिखते हैं ना, इंटू के जी भी होता है,
डैन को क्या लिखते हैं, अगर सीजीएस में लिखेंगे तो लिखेंगे इसको ग्राम, लेंथ को लिखते हैं सेंटीमीटर, टाइम का होता है सेकेंड इनवर्स, यही होता है डैन का सीजीएस सिस्टम में। तो अगर हम ग्राम को केजी से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, और दोनों के पावर में सेम यूनिट बना रहे हैं, जिसको लिख रहा हूं ए, इसको लिख रहा हूं मैं सेंटीमीटर अपॉन का मीटर, बी इसको लिख रहा हूं मैं सेकेंड अपॉन का सेकेंड के पावर में सी, और वैल्यू कितनी दे रखी है, यहां भी पावर में क्या है, वन है, नहीं कुछ पावर वन है ना, यहाँ भी वैल्यू वन है क्योंकि ग्राम बाय केजी है, तो ग्राम बाय केजी के पावर वन है, सेकेंड और सेकेंड पावर में टू है तो लिख देते हैं टू है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारी उसी वैल्यू को देखना है, क्या आती है वैल्यू यहाँ पे, तो लिखेंगे इसको ग्राम, और कितने केजी इक्वल ग्राम होता है, तो बोलते हैं 1000 केजी के इक्वल होता है ग्राम के, और ये है सेंटीमीटर बाय मीटर है, तो सेंटीमीटर इसको ऊपर सॉल्व करते हैं, क्या लिखूंगा मैं, ग्राम अपॉन का 1000 ऑफ ग्राम, ठीक है, इनटू ये आ गया मेरा सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये सेकेंड से सेकेंड कट गया, इसका तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ा, तो वैल्यू क्या आ गई हमारी, ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, कि वैल्यू क्या आ गई, 1/1000 × 1/100, ये वैल्यू किसके इक्वल थी, इस नंबर के इक्वल थी, ये नंबर क्या है 1/x, तो हमें x चाहिए था, तो वैल्यू क्या आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 टू द पावर में 5 डाइन के इक्वल आएगी, आया समझ में। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि वो कितने डाइन के इक्वल है, तो हमें यही एक्स निकालना था, तो एक्स क्या आया हमारा 10 टू द पावर में 5 डाइन। सर अब आया समझ में, हाँ बोलो, एक बार रिकैप करा दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इसमें बोलेगा कि हेडिंग क्या था हमारा, कि थर्ड यूज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी द वन सिस्टम टू द अनदर सिस्टम, मतलब कि दो फिजिकल सिस्टम, ऐसा सिस्टम में हमें तीन सिस्टम पढ़ रखा था, उनमें से दो सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए पूछेगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो वैल्यू उसमें कन्वर्ट होने पे कितनी वैल्यू के इक्वल आती है, ये भी चीज हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला की हेल्प से निकाल सकते हैं, यही हमारा मकसद है इस क्वेश्चन करने का। तो कहता है द न्यूमेरिकली कांस्टेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन वन सिस्टम, तो जो पहले सिस्टम में दे रखा हो आपको उसको आप N1 नाम दीजिए, तो मैंने उसको नाम दिया है 1 न्यूटन के इक्वल। अब कहता है टू द अनदर सिस्टम द न्यूमेरिकल कांस्टेंट वैल्यू इज N2, जो दूसरे सिस्टम में आपको निकालना है उसको N2 नाम दो, मैंने उसको X नाम दिया, वो N2 बोलने कहने को बोल रहा है, ठीक है। फिर बोला दोनों को आपके न्यूमेरिकल वैल्यू को डिवाइड कीजिए, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या कहा, वन को उसके कांस्टेंट वैल्यू से डिवाइड करो, और इसके डायमेंशन फॉर्मूला को जो इधर डाइन में है उसको डिवाइड करो उसके एसआई सिस्टम को, यानी इसका सिस्टम क्या है, सीजीएस सिस्टम है, डिवाइड करो उसके एसआई सिस्टम के साथ, तो जो रेशियो मिलेगा वो रेशियो इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं, ग्राम अपॉन केजी को चेंज किया मैंने ग्राम बाय ग्राम में, ये जानने के लिए कि इसके रेशियो की वैल्यू क्या आती है, क्योंकि रेशियो जो है वो डायमेंशन लेस होता है, उसमें सिर्फ वैल्यू मैटर करता है। तो 1 ग्राम बाई 1 केजी है तो कितने इक्वल हो जाएगा, वो 1000 ग्राम के इक्वल होगा। फिर कहता है 1 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर है, तो सेंटीमीटर को चेंज करो मीटर, मतलब मीटर को चेंज किया मैंने उसमें सेंटीमीटर में, तो
तो वैल्यू आ गई हमारा 100 सेंटीमीटर, ताकि ये रेशियो क्या हो जाए, कट जाए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट जाए, ताकि मेरा जो 1/x की वैल्यू हो वो निकले हमारा। तो उसको मैंने पुट कर दिया 1/100 पुट कर दिया यहाँ पे। अब ये सेकेंड में था, ये सेकेंड में था, तो दोनों क्वांटिटी सेम यूनिट में है, तो दोनों यूनिट कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आ गई 1/1000, 1/100। जब इसको मल्टीप्लाई किया आपस में तो वैल्यू आए 10^5। तो ये 1/x की वैल्यू थी 1/10^5। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो x की वैल्यू आ गई 10^5 डाइन के इक्वल। आया समझ में थोड़ा? सर एक बात पूछे सर, थोड़ा हाँ बोलो। सर P1 n = x डाइन लिखे हैं सर, वो जो बनाए हैं तो सर सबके साइड में डाइन, तो ये इसका डाइन जो है ना, उसका सीजीएस सिंबल डाइन है। किसका है? फोर्स का। जो एस सीजीएस सिस्टम होता है, सीजीएस सिस्टम में जो फोर्स को हम लोग डाइन से मेजर करते हैं, ये बात हमें पता थी पहले से कि ये जो सीजीएस है वो यूनिट डाइन है। और हम ये भी जानते थे कि फोर्स का जो एसआई सिस्टम में कितना होता है, बोलते हैं 1 न्यूटन होता है। उसका यूनिट 1 न्यूटन के अलावा उसको हम लोग डायमेंशन में कैसे लिखते हैं, ये भी बस पहले से पता होनी चाहिए। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इंटू केजी के साथ होता है। अब ये क्यों होता है तो बोलेंगे फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के। तो मास को लिखते हैं एसआई सिस्टम में केजी में, और एक्सेलरेशन लिखते हैं हम लोग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ये दोनों चीज एसआई सिस्टम में है, ये एसआई सिस्टम में 1 न्यूटन इक्वल है। यही चीज को मुझे लेना था सीजीएस सिस्टम में, जो कि डाइन होता है। और सीजीएस मैंने कहा था सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है, तो सेंटीमीटर को मैंने मीटर को चेंज किया सेंटीमीटर में, और केजी को चेंज किया मैंने ग्राम में, और सेकेंड को चेंज किया मैंने सेकेंड में ही रखा। यही रीजन है कि मेरा क्वेश्चन को मैंने पिक किया अपने मुताबिक के हिसाब से, क्योंकि मुझे ये बेसिक नॉलेज पता थी। अब बोलो। नहीं सर, पूछ रहा था कि सर वो जो बनाए उतना सर, तो उसके साइड में सर डाइन लिखना पड़ेगा। हाँ 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 तो ये पूछा यही क्यों गया है कि 1 न्यूटन किस कितने डाइन के इक्वल है, कितने डाइन को ही तो बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन मार्क में लिखा था यहाँ पे, क्वेश्चन में था ही कितने डाइन के इक्वल होगा, तो वो लिखना पड़ेगा डाइन। बगैर डाइन लिखे नहीं कर सकते कि ये चीज हमने कहाँ से लिखा है, इसके वजह से भी लिखा है यहाँ पे। जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड क्यों आया, ये डाइन की ही तो वैल्यू है, और ये जो लिखा मैंने केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसकी वैल्यू है? 1 न्यूटन की वैल्यू है। यानी कि बेसिकली मैंने इसको ऐसे लिखा है 1/x = 1 dyne/1 newton के इक्वल है। इसी को मैंने फर्दर एक्सप्लेन किया इस तरीके से, डाइन को लिख दिया मैंने ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और न्यूटन को लिख दिया मैंने केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही रीजन है कि मैंने इसको इस पे मैंने स्विच किया है। ओके, और कुछ डाउट है? नहीं। पुष्पेंद्र तुमको कुछ पूछना है? पुष्पेंद्र पुष्पेंद्र कुछ पूछना है तुमको? एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, शायद उससे क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए फोटो खींचना था क्या, फोटो खींचना पड़ेगा क्या? नहीं सर, ठीक है ठीक है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू कहता है कन्वर्ट 60 जूल पर मिनट इनटू अ न्यू सिस्टम। Into a new system in which first option the unit of a mass is given 100 gram। फिर दूसरा कहते क्या है यूनिट ऑफ ए लेंथ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। कहता है टाइम इज इक्वल्स टू 1 मिनट। ठीक है, बताता है कि कन्वर्ट करो इन सारे न्यू सिस्टम में जिसमें ये सारे यूनिट दे रखे हों, कन्वर्ट इतना वैल्यू इनटू अ न्यू सिस्टम इन विच मास का यूनिट क्या दे रखा है 100 ग्राम, लेंथ का यूनिट क्या दे रखा है 100 सेंटीमीटर और टाइम दे रखा है 1 मिनट के इक्वल है। ऐसा कन्वर्ट पूछा गया है। ठीक है, किसको कन्वर्ट करना है 16 जूल पर मिनट को कन्वर्ट करना है इस अननोन क्वांटिटी में जिसमें ये सब चीजें खर्च हो रही है। तो पहले पता होना चाहिए जूल किसका यूनिट है, 1 जूल किसके इक्वल होता है, जूल किसका यूनिट है, ये जूल किसके किसके लिए इस्तेमाल होता है सर, भूल सब भूल गए सर। खत्म आ गए हो जूल के यूनिट नहीं पता है जूल का इस्तेमाल कहाँ होता है। वेरी बैड वेरी बैड, जूल को हम एनर्जी के लिए बताते हैं।